नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बहुआयामी प्रगति पत्रक सत्र 2022-23 का कक्षा 6वीं से 8वीं का आप किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि यह सत्र 2022-23 का प्रगति पत्रक है, कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के, जो सभी स्कूलों में वितरित कर दिया गया है। अभी सभी विद्यालयों में प्रगति पत्रक तैयार करने का काम किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के प्रगति पत्रक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको प्रगति पत्रक का फ्रंट पेज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे हम चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है स्कूल शिक्षा विभाग, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन का मोनो लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है बहुआयामी प्रगति पत्रक उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8, सत्र है 2022-23। यहाँ पे देखिए, आपको लिखा है पासपोर्ट फोटो। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको चस्पा कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का स्पष्ट नाम उल्लेख कर देना, जैसे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जो भी है इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आपको विकासखंड फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको जिला फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको कक्षा का उल्लेख करना है, जैसे कि 6वीं के लिए आप बनाया, तो यहाँ पे आपको 6वीं का उल्लेख करना है, 7वीं के लिए 7वीं और 8वीं के लिए 8वीं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पे आप विद्यार्थी का नाम फिल करेंगे स्पष्ट अक्षरों में। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलिए हम यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी का नाम फिल करते हैं। इस प्रकार से हमने कर दिया, ये देखिए हमने यहाँ पे नाम कर दिया विजय कुमार। तो इस प्रकार से आप स्पष्ट विद्यार्थियों का यहाँ पे नाम का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है विजय कुमार, इस प्रकार से हमने जगत कर दिया, यानी कि यहाँ पे आप स्पष्ट विद्यार्थी का सर नेम सहित फिल करेंगे इस तरह से। यहाँ पे साथियों, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वह केवल एक डेमो स्वरूप है, जिससे कि आपको प्रगति पत्रक भरने में सुविधा हो, आसानी हो। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल डिटेल है उसको साझा नहीं किया जा रहा है, उसकी गोपनीयता को भंग नहीं किया जा रहा है। तो यह वीडियो एक केवल डेमो स्वरूप है, इसमें किसी की गोपनीय जानकारी को शेयर नहीं किया जा रहा है, साझा नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है आपका विद्यार्थी का आईडी क्रमांक। यह जो आईडी क्रमांक है आपको सीजी स्कूल पोर्टल में मिल जाएगा स्टूडेंट एंट्री में। जिस समय आपने स्टूडेंट एंट्री किया था वहाँ पर आपको सभी विद्यार्थियों की स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी, उस आईडी को यहाँ पर आपको उल्लेख कर देनी है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है दाखिल क्रमांक, तो यहाँ पे आपको विद्यालय के अनुसार से जो भी आपके विद्यालय का दाखिल खारिज क्रमांक में विद्यार्थी का नंबर है, उस नंबर को यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है इस तरह से। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे माता का नाम, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट अक्षरों में विद्यार्थी के माता का जो भी नाम है इस प्रकार से, तो आपको स्पष्ट अक्षरों में विद्यार्थी के माता का नाम का उल्लेख कर देना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है माता का नाम, तो यहाँ पे विद्यार्थी के माता का नाम का आपका स्पष्ट उल्लेख कर देना है। फिर पिता का नाम कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी के पिता का नाम फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है वर्तमान पता, तो यहाँ पे आपको वर्तमान पता में फिल कर देना है। पूरे भी आपके साला ग्राम का जो पता है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला जो भी है, उसको आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। फिर अगला कहा जा रहा है पालक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे विद्यार्थी के जो पालक है, पिता है, माता है, उसका भी आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर उल्लेख कर देना है 10 डिजिट का। फिर कहा जा रहा है कि मैं बनना या बनना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती है विद्यार्थी, तो यहाँ पे विद्यार्थी से पूछ के आपको यहाँ पर उसका स्पष्ट उल्लेख कर देना है। हो सकता है विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है, या फिर कलेक्टर बनना चाहता है, या फिर कोई भी अधिकारी बनना चाहता है, या फिर कर्मचारी बनना चाहता है, तो उसका यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज जो अनिवार्य है यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, उसको यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। यहाँ पर देखिए, दाखिल खारिज क्रमांक के बाद यहाँ पे कुछ जगह आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी की जन्मतिथि का उल्लेख कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पे जन्मतिथि लिखेंगे, जन्मतिथि लिखने के बाद थोड़ा स्पेस देकर के यहाँ पे आपको जाति का उल्लेख कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे दो चीज आपको फिल करनी है, विद्यार्थी का जन्मतिथि और जाति का। तो ये तो हो गया प्रगति पत्रक का फ्रंट पेज। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि बैक साइड में आपको किस प्रकार से उल्लेख करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बहुआयामी प्रगति पत्रक क्लास 6 से लेकर 8 तक का आपको बैक साइड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुआयामी प्रगति पत्रक, यहाँ पे आपको मासिक आकलन है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि दिशा निर्देश जो प्राप्त हुआ था सत्र 2022-23 के लिए, उसमें इस प्रकार से आपको बताया गया था कि 6 मासिक आकलन होंगे, फिर त्रैमासिक आकलन, अर्धवार्षिक आकलन और वार्षिक आकलन। जो आपका मासिक आकलन होगा वह आपका 25 अंक का होगा, और आपका जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आकलन होगा वह 100-100 अंक का होगा 6वीं से लेकर के 8वीं तक। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे आपको विषय दिया गया है,
और कुल योग दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, कक्षा में स्थान दिया गया है और पालक के हस्ताक्षर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्राप्तांक और ग्रेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जुलाई में जैसे कि विद्यार्थी का मासिक आकलन 25 अंक था और 25 अंक में विद्यार्थी ने जितना भी अंक अर्जित किया हुआ है संबंधित विषय में, तो यहाँ पे आपको उसका प्राप्तांक का उल्लेख करने के बाद उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रेड का उल्लेख करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि विद्यार्थी ने जुलाई में मासिक आकलन में 25 में यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने 23 अंक प्राप्त किया। इस प्रकार से यदि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे विद्यार्थी ने 23 अंक प्राप्त किया, अब 23 अंक का ग्रेड क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपको देखिए ग्रेड चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस ग्रेड चार्ट का आपको सहारा लेनी है जिससे कि आपको प्रगति पत्र भरने में सुविधा हो। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड चार्ट है 25 में 23 का क्या हो रहा है, 23 से लेकर के 25 तक आपका ए प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थी का ग्रेड में हो जाएगा ए प्लस। इस प्रकार से यहां पे हमारा हो जाएगा ए प्लस। इस प्रकार से यहां पे हो गया ए प्लस। तो इस प्रकार से आपको यहां पे आपको प्राप्तांक का उल्लेख करना है प्राप्तांक वाले कॉलम में, और जहां पे आपको ग्रेड दिया गया है उससे आपको ग्रेड का उल्लेख करना है। यहां पे कहा गया है कि समस्त विषयों में मासिक त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक आकलन में प्रोजेक्ट या फिर प्रायोजना कार्यों को अंकों को जोड़कर केवल ग्रेड भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको प्राप्तांक का उल्लेख करना है और यहाँ पे आपको ग्रेड का उल्लेख करना है। जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसमें स्पष्ट कहा गया है कि छठवीं से लेकर के जो आठवीं है प्रगति पत्रक है उसमें विद्यार्थी के प्राप्तांक और ग्रेड का भी उल्लेख किया जाएगा और कक्षा एक से लेकर के पांच तक में केवल ग्रेड भरा जाएगा। चलिए हम आपको वह दिशा निर्देश जो जारी हुआ था उसकी स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा एक से पांच तक विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक में केवल ग्रेड लिखा जाएगा और कक्षा छह से आठ तक विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक में विषयवार अंक ग्रेड एवं प्रतिशत होंगे। यानी कि आपके जो प्रगति पत्रक है कक्षा छह से आठ तक में उसमें आपको अंक का भी उल्लेख करना है, ग्रेड का भी उल्लेख करना है और आपको परसेंट का भी उल्लेख करना है। इसके अतिरिक्त आपको रैंक भी बताना है कि कक्षा में स्थान भी आपको दिया जाना है जैसे कि आपको प्रगति पत्रक में दिया गया है। यहाँ पे उल्लेख किया गया कि कक्षा में स्थान अंक के आधार पर न देकर के आपको ग्रेड के आधार पर देना है, इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि अधिकांश जो शिक्षक साथी है वह अंक के आधार पर उनको कक्षा में स्थान दे रहे हैं। तो यहां पे आपको कक्षा में स्थान जो है अंक के आधार पर न देकर के आपको ग्रेड के आधार पर देना है, इसके बारे में आपको आगे प्रगति पत्रक पर बताएंगे। तो यहां पे आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार से आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको प्राप्तांक का उल्लेख करना है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रेड का उल्लेख करना है, फिर आपको यहाँ पे योग कर देना है। यहाँ जितने भी आपके मासिक आकलन है इसका योग कितना हो गया 150, तो 150 में विद्यार्थी कितना ग्रांड योग पा रहा है उसका यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। उसी प्रकार से आपको त्रैमासिक के प्राप्तांक के साथ साथ यहाँ पे आपको ग्रेड का उल्लेख करना है, फिर प्राप्तांक फिल करनी है, अर्धवार्षिक में भी फिर उसका ग्रेड उल्लेख करना है, तो वार्षिक आकलन में भी आपको प्राप्तांक के साथ ग्रेड का उल्लेख करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कुल योग, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से योग करना है, उसका जितना भी योग आएगा उसका कितना यहाँ पे आपका ग्रेड बनता है उस ग्रेड का उल्लेख करना है इस प्रकार से। फिर उसका आपको यहाँ पे प्रतिशत का भी उल्लेख करना है, मासिक का भी, त्रैमासिक का भी, अर्धवार्षिक का भी और वार्षिक का भी। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है श्रेणी, यानी कि आप श्रेणी में यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी श्रेणी में विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आया है कि द्वितीय श्रेणी में आया है कि तृतीय श्रेणी में आया है, इसका आपको यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख कर देना। जैसे कि आप सभी को पता है कि 60% या उससे अबव जो आता है वह आपका फर्स्ट क्लास है, तो इस प्रकार से आपको श्रेणी का उल्लेख करना है। यहाँ पे कक्षा में स्थान कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कक्षा में स्थान यहाँ पे जो परसेंट है प्राप्तांक है अंक है उसके आधार पर आपको नहीं देना है, बल्कि यहाँ पर जो विद्यार्थी का समेकित ग्रेड आएगा उस ग्रेड के आधार पर यहाँ पे आपको कक्षा में स्थान देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुल योग आ गया, अब इसका भी जो भी आपने यहाँ पे ग्रेड निकाला तो यहाँ पे जो ग्रेड आएगा उस ग्रेड के स्थान के आधार पर आपको कक्षा में स्थान देने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस विद्यार्थी का ग्रेड आ गया ए प्लस और आपके विद्यालय में कुल दर्ज संख्या मान लेते हैं कक्षा छठवीं में 10 है और 10 में से चार विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका त्रैमासिक आकलन जुलाई में ए प्लस है, तो सभी विद्यार्थी का कक्षा स्थान क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा चारों विद्यार्थी का। और मान लेते हैं कि जो अब दो विद्यार्थी है उसका ए है तो उनका स्थान हो जाएगा द्वितीय। उसी प्रकार से अगला विद्यार्थी है बी प्लस, उसका स्थान हो जाएगा तृतीय। तो इस प्रकार से आपको कक्षा में स्थान देना है, ग्रेड के आधार पर देना है, प्राप्तांक के आधार पर नहीं देना है।
फिर है पालक के हस्ताक्षर। तो पालक के हस्ताक्षर आपको हर मासिक आकलन में लेनी है और साथ ही आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी लेनी है। तो इस प्रकार से आपको पालक के जो हस्ताक्षर है यहाँ पे 6 बार और ये 3 कुल 9 बार आपको पालक के हस्ताक्षर लेना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संख्यात्मक क्षेत्र के लिए यहाँ पे आपको ग्रेड दिया गया है, कुल 7-8 ग्रेड है। इस प्रकार से A+, A+, B+, B+, C+, C+, D और E। इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्राप्तांकों का प्रतिशत भी दिया गया है कि कितने परसेंट से लेकर के आपको कौन सा ग्रेड लेना है। जैसे कि 91 से 100 तक के लिए A+ है, 80 से 90 तक के लिए A है, 71 से 80 के लिए B+ है, 61 से 70 के लिए B है, 51 से 60 तक के लिए C+ का देना है और 41 से 50 के लिए आपको C और 33 से 40 तक के लिए D और 33 से जो नीचे है उनको आपको ई ग्रेड देना है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर लेनी है और साथ में यहाँ पे प्रधान पाठक का और यहाँ पे आपको पालक का हस्ताक्षर ले लेना है इस तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्रंट पेज के बैक साइड बगल साइड का। तो यहाँ पे देखिए आपको भावात्मक क्षेत्र दिया गया है, तो भावात्मक क्षेत्र में आपको केवल 3 ग्रेड देना है और साथ ही साइकोमेट्रिक क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर भी आपको 3 ग्रेड देना है, मात्र A, B और C। तो यहाँ पे आपको क्षेत्र दिए गए हैं और यहाँ पे आपको अवधि दिया गया है, यानी कि जुलाई से दिसंबर के लिए और जनवरी से मार्च के लिए। तो यहाँ पे स्व आकलन में विद्यार्थी का कौन सा ग्रेड है इस ग्रेड का आपको यहाँ पे उल्लेख कर देनी है, फिर जनवरी से मार्च में कितना आ गया उसका आपको यहाँ पे उल्लेख कर देना है, फिर आपको दोनों का योग करके यहाँ पे आपको सकल ग्रेड का उल्लेख कर देना है। इस प्रकार से आपको फिल कर देनी है। उसी प्रकार से आपको साइकोमीटर क्षेत्र के लिए भी आपको वैसे ही करनी है, यहाँ पे आपको जुलाई से दिसंबर के लिए ग्रेड का उल्लेख करना है, फिर यहाँ पे आपको जनवरी से मार्च के लिए ग्रेड का उल्लेख कर देना है। ग्रेड का उल्लेख करने के बाद दोनों का आपको समेकित ग्रेड यहाँ पे उल्लेख कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से मान लो कि यहाँ पे विद्यार्थी ने ए ग्रेड प्राप्त किया और यहाँ पे बी किया, तो ए और बी का यहाँ पे सकल हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ए प्राप्त किया और यहाँ पे सी प्राप्त किया, तो ए और सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि विद्यार्थी ने बी प्राप्त किया, यहाँ पे सी प्राप्त किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बी और यहाँ पर भी बी रहेगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ ए और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद नीचे में आपको दिया गया है उपस्थिति। तो यहाँ पे आपको माह दिया गया है जून जुलाई से लेकर के अप्रैल तक, तो यहाँ पे सारा लगने की दिनों की संख्या, यानी कि आपको हर माह कुल कितने दिन विद्यालय लगा हुआ है उसको काउंट करके आपको यहाँ पे हर माह का उल्लेख करने के बाद यहाँ पे आपको योग कर देनी है। फिर यहाँ पे दिया गया है उपस्थिति, यानी कि विद्यार्थी ने उस माह में कुल कितना दिन स्कूल आया हुआ है, यानी संबंधित माह में विद्यार्थी कितना दिन स्कूल आया है उसका यहाँ पे आपको उल्लेख करना है और उसका भी यहाँ पे आपको योग कर देना है। फिर है पालक की उपस्थिति, यानी कि जो शाला की आयोजित बैठक हुई थी उसमें उनके जो पालक है किस किस माह में कितने कितने बार आया उसका यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। फिर कहा जा रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम उल्लेख कर देना है, यहाँ पे कक्षा में आपको कक्षा का उल्लेख करना है, का सत्र 2022-23 में आयोजित त्रैमासिक आकलन में खाली स्थान ग्रेड है, तो त्रैमासिक आकलन में जो भी विद्यार्थी का सकल ग्रेड आएगा उस ग्रेड का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये त्रैमासिक हो गया, यहाँ पे देखिए त्रैमासिक का यहाँ पे कुल योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुल योग के बाद यहाँ पे आपका जो ग्रेड आएगा उस ग्रेड का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए त्रैमासिक का जो यहाँ पे आपको ग्रांड योग दिया गया और ग्रांड योग का जो ग्रेड बन रहा है उस ग्रेड का आपको वहां पे उल्लेख कर देना है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको त्रैमासिक में उल्लेख कर देना है। फिर अर्धवार्षिक आकलन में भी यहाँ पे आपको जो ग्रेड दिखाई पड़ रहा है अर्धवार्षिक आकलन का, यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक आकलन का जो ग्रांड योग है उसका ग्रेड है उस ग्रेड का आपको वहाँ पे उल्लेख कर देनी है। उसके बाद यहाँ अगला दिया गया है वार्षिक आकलन में ग्रेड, तो विद्यार्थी के जो वार्षिक आकलन में जो ग्रेड आएगा उस ग्रेड का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है और विद्यार्थी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में यहाँ पे आपको उसका उल्लेख करना है। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा, प्रधान पाठक का सील साइन रहेगा और यहाँ पे पालक का हस्ताक्षर रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है जो आपका प्रगति पत्रक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप वार्षिक का निकालेंगे, यहाँ पे उसका कुल ग्रांड योग आएगा, फिर यहाँ पे उसका ग्रेड रहेगा। इस प्रकार से आपको तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक के ग्रेड का वहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर एक प्रगति पत्रक का नमूनार्थ प्रति आपको स्क्रीन पर दिखाई
पड़ रहा है, या इसके आधार पर भी आप आसानी से अपना प्रगति पत्र तैयार कर सकते हैं। इसको देखकर को आपको समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से आपको प्रगति पत्र फिल करनी है। यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिया गया है, प्राप्तांक के आधार पर यहाँ पे ग्रेड का उल्लेख किया गया है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका ग्रहण योग किया गया है, ग्रहण योग करने के बाद जो भी ग्रेड है उसको यहाँ पे ग्रेड किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पे प्रतिशत का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिशत के उल्लेख करने के बाद यहाँ पे आपको श्रेणी दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे श्रेणी भी आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद कक्षा में जो स्थान है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कक्षा में स्थान है आपको परसेंट के आधार पर नहीं, अंक के आधार पर नहीं, बल्कि आपको ये ग्रेड के आधार पे आपको यहाँ पे कक्षा में स्थान का उल्लेख करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके विद्यालय में मान लीजिए कक्षा छठी में 10 विद्यार्थी हैं, अब 10 में से 4 विद्यार्थी ने त्रैमासिक जो आपका मासिक आकलन है जुलाई का A+ प्राप्त किया है, तो सभी विद्यार्थी का कक्षा में स्थान क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। अब 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको A प्राप्त हुआ है तो उनका स्थान हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा, और मान लेते हैं कि अगला जो बच गए जो विद्यार्थी उनका B+ है तो उनका स्थान हो जाएगा कक्षा में तृतीय। इस प्रकार से आपको कक्षा में जो स्थान है आपको ग्रेड के आधार पर ही दिया जाना है, प्राप्तांकों के आधार पर नहीं। इसका भी जो दिशा निर्देश प्रारूप आपको गाइडलाइन जारी किया गया था उसमें भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ये तो हो गया आपका बहुआयामी प्रगति पत्रक का बैक साइड। अब चलिए हम आपको फ्रंट पेज भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप फ्रंट पेज का उल्लेख कर सकते हैं, किस प्रकार से आप फ्रंट पेज फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपको ये फ्रंट पेज भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से कक्षा छठवीं से लेकर के आठवीं तक के जो बहुआयामी प्रगति पत्रक है सत्र 2022-23 का आसानी से फिल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।